नमस्कार, वीकेवी न्यूज के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नशेड़ियों पर नकेल कसने के लिए नागपुर पुलिस एक्शन मोड में, एक ही दिन में 51 मामले किए गए दर्ज। त्योहारों के मौसम में फूड एंड ड्रग्स विभाग हुआ सक्रिय, मिठाई बेचने वालों को दिए दिशा निर्देश। और डकैती की तलाश में एमआईडीसी पुलिस ने कालिया गैंग को धर दबोचा, तलवार, मिर्ची पाउडर और रस्सी बरामद। और अब खबरें विस्तार से। शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार का प्रयास शुरू है। क्राइम ब्रांच पुलिस के अलग अलग दस्तों ने शहर भर में विविध स्थानों पर कार्रवाई कर 66 लोगों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में मादक पदार्थ बेचने और उसका सेवन करने वालों का समावेश है। पुलिस विभाग के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही दिन में 51 मामले दर्ज हुए। क्राइम ब्रांच के उपायुक्त का पदभार संभालते हुए चिन्मय पंडित की यह पहली बड़ी कार्रवाई है जो एक ही दिन में की गई। शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक के बीच शहर के 33 थानांतर्गत मादक पदार्थ बेचने व सेवन करने वालों के खिलाफ यह विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में मादक पदार्थ विरोधी दस्ते, क्राइम ब्रांच पुलिस की यूनिट 1 से 5 और विशेष दस्ते ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। मादक पदार्थ बेचने वाले आरोपियों में मुकेश उर्फ पापा तिवारी, शेख जमील, मामा उर्फ इस्माइल, शेख जब्बार, तुषार युवराज काली, अभिषेक केशव गौर, मोहम्मद अब्दुल मोहम्मद अजीज सहित अन्य आरोपियों का समावेश है। पुलिस ने 51 मामले दर्ज किए जिनमें 5 मामले मादक पदार्थ विक्रेताओं व 46 मामले मादक पदार्थ खाने वालों से जुड़े हैं। कार्रवाई के दौरान 1,11,422 रुपए का माल जब्त किया गया। वहीं पुलिस उपायुक्त द्वारा बताया गया कि सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा, जबकि नागरिकों से उन्होंने आह्वान किया कि अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान रखकर उन्हें सूचित करें। गेल्या काही दिवसांपासून नागपूर शहरामध्ये अंमली पदार्थांचं सेवन आणि याच्याबद्दल वेगवेगळ्या प्रकारच्या माहिती आमच्यापर्यंत येत होत्या। या माहितीची गंभीरपणे दखल घेत नागपूर शहराचे जे पोलीस आयुक्त आहेत अमितेश कुमार सर आणि ॲडिशनल CP श्री फुलारी सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही 33 पोलीस स्टेशनच्या 33 टीम्स बनवून, तसंच क्राईम ब्रांचच्या 5 टीम्स बनवून, अशा साधारण 41 टीम्सनी आम्ही एका रात्रीमध्ये, म्हणजे परवा दिवशी संध्याकाळी 6 वाजता ही मोहीम सुरू केली आणि रात्रभर ही मोहीम चालली आणि त्यामध्ये आम्ही पूर्ण नागपूर शहरामध्ये एकूण 51 गुन्हे दाखल केले। त्या 51 पैकी 46 गुन्हे हे सेवनाबद्दल म्हणजे कन्झम्पशनचे होते। हे सर्व गुन्हे NDPS कायद्याअंतर्गत दाखल केले। त्यामध्ये 46 गुन्हे हे सेवनाचे गुन्हे होते आणि 5 गुन्हे हे विक्री किंवा जवळ बाळगण्याच्या कलमांच्या अंतर्गत आम्ही दाखल केलेले आहेत। या सर्व गुन्ह्यांमध्ये 66 आरोपींना आम्ही अटक केलेली आहे आणि त्यांच्याकडून सुमारे 1,11,422 रुपयांचा अंमली पदार्थांचा मुद्देमाल हा देखील आम्ही जप्त केलेला आहे। तर मला नाही वाटत की राज्यामध्ये किंवा इतर कुठेही देशामध्ये एका दिवसात 51 गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई ही कुठे केली गेलेली असणार आहे। आम्हाला असं वाटतं की ही मोहिमेची सुरुवात आहे आणि या मोहिमेद्वारे आम्ही अंमली पदार्थ बाळगणारे, सेवन करणारे, विक्री करणारे पेडलर्स यांना हा आमचा एक अत्यंत स्ट्रॉंग असा संदेश आहे की इथून पुढे नागपूर शहरामध्ये आम्ही यांचे धंदे चालू देणार नाही आहेत आणि ही कारवाई अशीच गंभीर कारवाई आम्ही वारंवार ड्राइव घेऊन आम्ही करत राहणार। दिवाली जैसे त्योहारों पर मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से फूड एंड ड्रग्स विभाग काफी सख्त नजर आ रहा है। जहां अब होटल में मिठाई बेचने पर भी उसकी वैधता कब तक रहेगी ये डालना अनिवार्य किया गया है। त्योहारों के मौसम को देखते हुए अब फूड एंड ड्रग्स विभाग काफी सक्रिय नजर आ रहा है। हाल ही में मिठाई होटल एसोसिएशन की बैठक फूड एंड ड्रग्स विभाग द्वारा ली गई, जिसमें फूड एंड ड्रग्स विभाग ने निर्देश दिए कि मिठाई की ट्रे पर मिठाई कितने दिन उपयोग में लाई जा सकती है उसकी वैधता लिखना अनिवार्य होगा।
जबकि जो होटल व मिठाई विक्रेता इसका अनुपालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत फूड एंड ड्रग्स विभाग के सह आयुक्त अन्नपुरे ने दिए हैं। कि दिवाळी हा फार मोठा सण आहे आणि दिवाळीच्या सणामध्ये खूप सारी मिठाई विकत घेतली जाते, विक्री केली जाते। अशा वेळेला याची काळजी घेणं खूप आवश्यक आहे। लोकांना निर्भय आणि चांगल्या क्वालिटीची मिठाई मिळणं फार आवश्यक आहे। यासाठी आम्ही आजच एक मिठाई असोसिएशन हॉटेल असोसिएशनची बैठक घेतली। या बैठकीमध्ये त्यांना काय काय काळजी घ्यायची आहे याबद्दल त्यांना आपण इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत। फॉर एक्झाम्पल, FSSAने मागच्या वर्षी एक सर्क्युलर काढलं होतं ज्याच्यामध्ये मिठाईच्या ट्रेवर बेस बिफोर टाकणं बंधनकारक केलेलं आहे आणि केव्हा मॅन्युफॅक्चर केली ते पण टाकणं लिहिणं आवश्यक आहे। परंतु केव्हा बनवली ही मँडेटरी नाही आहे, व्हॉलंटरी आहे। पण ती कुठपर्यंत चांगली चालणार आहे, कुठपर्यंत तिची गुणवत्ता टिकून आहे, 4 दिवस 7 दिवस व्हॉटेवर, तर ती टाकणं त्यांना बंधनकारक केलं आहे। आणि या बाबतीचे इन्स्ट्रक्शन आम्ही आमच्या FSAना पण दिलेले आहेत की आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी तपासण्या कराव्यात, आपल्या आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये जिथे मिठाई जास्त विक्री केली जाते तिथे इन्स्पेक्शन करून तशा बाबतीत इन्स्ट्रक्शन द्यावेत। कुणी याचं उल्लंघन करत असेल तर त्याच्यावर कारवाई पण करण्याचे आपण त्यांना आदेश दिलेले आहेत। कारण अशा सणासुदीच्या दिवसामध्ये ज्या मिठाया आपण बनवतो त्याच्यासाठी लागणारा बेसिक जो खावा असतो त्याचा आपण स्टोरेज जर व्यवस्थित नाही केलं आणि वेळच्या वेळी त्याला अजून वापर नाही केला तर त्याच्यातनं फूड पॉइंटसारख्या केसेस होऊ शकतात। म्हणूनच याच पार्श्वभूमीवर आपण हॉटेल असोसिएशन आणि मिठाई असोसिएशनची बैठक घेतलेली आहे आणि त्यांना व्यवस्थित सूचना दिलेल्या आहेत की ते कशा पद्धतीने त्याचं स्टोरेज करायला पाहिजे, कुठल्या टेम्परेचरला करायला पाहिजे आणि तो टप्प्याटप्प्याने वापरता आला पाहिजे आणि त्याची जी पेरिशेबल लाईफ आहे, त्याची शेल्फ लाईफ आहे, त्यापर्यंत त्याचा उपयोग झाला पाहिजे। आणि मिठाई एवढी बनवा की जेवढी ती दिवसाला विकल्या जाते, कारण जास्त मिठाई बनवली तर त्याला स्टोरेज करायचा परत प्रॉब्लेम येतो। म्हणून जेवढी विकल्या जाते तेवढीच बनवा, जेणेकरून त्याची विल्हेवाट वेळच्या वेळी व्यवस्थित होऊ शकेल आणि विक्री व्यवस्थित होऊ शकेल। शांतिनगर पुलिस ने मंगलवार की रात गश्त के दौरान 3 अपराधियों को हथियार लेते घूमते गिरफ्तार किया, जिसमें से एक तड़ीपार बताया गया। पकड़े गए आरोपियों में स्वीपर कॉलोनी निवासी निखिल उर्फ मोंटी मुकेश मलिक, कुंदनलाल गुप्ता नगर निवासी नरेंद्र उर्फ बाली चिंतामन बोकड़े और प्रांजल विजय यादव उर्फ सुल्तान मिर्जा का समावेश है। पुलिस ने बताया कि रात 9:40 के दौरान एक टीम बस्तरवाड़ी परिसर में गश्त कर रही थी। इसी दौरान जानकारी मिली कि फरवरी महीने में एक वर्ष के लिए तड़ीपार किया गया निखिल मलिक परिसर में हथियार लेकर घूम रहा है। तुरंत पुलिस दस्ते ने उसे धर दबोचा, तलाशी में चाकू बरामद हुआ। इसी दौरान जानकारी मिली कि बाली इतवारी रेलवे स्टेशन परिसर में तलवार लेकर उत्पात मचा रहा है, रास्ते से जाने आने वाले लोगों को धमका रहा है। तुरंत उसे गिरफ्तार कर तलवार जब्त की गई। यादव के खिलाफ भी चोरी और सेंधवारी के कई मामले दर्ज हैं। मंगलवार की रात वह बांगड़े प्लॉट के पास संदेहास्पद स्थिति में घूमता दिखाई दिया। तलाशी लेने पर उसके पास बड़ा चाकू बरामद हुआ। थाने ले जाकर क्राइम रिकॉर्ड जांच करने पर उसके खिलाफ कई मामले दर्ज होने की जानकारी मिली। पकड़े गए तीनों ही आरोपी का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है और किसी वारदात को अंजाम देने की वो तैयारी में थे। माननीय पुलिस उपायुक्त साहब डिटेक्शन यांचे मार्गदर्शनाखाली अवैध शस्त्र बाळगणारे इस्माविरुद्ध आम्ही मोहीम राबवित असताना आम्ही स्वतः पोलीस उपनिरीक्षक अरुण बकाल, तपास पथक पोलीस स्टेशन शांतीनगर, तसेच आमच्यासोबत तपास पथकाचा स्टॉप असे आम्ही या मोहिमेअंतर्गत परिसरामध्ये पेट्रोलिंग करीत असताना इतवारी रेल्वे स्टेशन या ठिकाणी आम्हाला एक इसम संशयास्पदरित्या दिसून आला। तो आम्हा पोलिसांना पळून जात असताना त्याला स्टॉपच्या मदतीने पकडले आणि त्याची धडती घेतली असता त्याच्याजवळ शस्त्र मिळून आले। त्याचे नाव त्याने नरेंद्र उर्फ बाली चिंतामन बोकडे, राहणार कुंदनलाल गुप्ता नगर असे त्याने सांगितले। त्याच्याजवळ शस्त्र मिळून आल्याने आम्ही त्याच्याविरुद्ध कलम 425 भारतीय अत्याचार कायदा, कलम 135 महाराष्ट्र पोलीस कायद्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली आहे। त्याला शस्त्र बाळगण्याचे कारण विचारले असता त्याने कोणतेही समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही। आम्ही त्याबाबत तपास करीत आहोत। त्याचे पूर्ण नाव नरेंद्र उर्फ बाली चिंतामन बोकडे, वय 19 वर्ष, राहणार कुंदनलाल गुप्ता नगर यशोधरा नगर असे त्याने आपले परिचय दिलेला। त्याविरुद्ध NDPS कायद्याअंतर्गत बरेचसे गुन्हे दाखल आहेत। आम्ही नागरिकांना हेच आवाहन करू की वा नागपूर शहरामध्ये असे अनोळखी लोक संशयितरित्या फिरणारे वावरणारे असे इसम दिसून आल्यास तत्काळ कंट्रोल रूमला फोन करून माहिती द्यावी किंवा जवळपासच्या पोलीस स्टेशनला तत्काळ जाऊन त्यांना माहिती द्यावी, जेणेकरून एखादा मोठा घरफोडीचा गुन्हा वगैरे घडणार नाही। कारण हे बाहेरून येणारे आरोपी असतात आणि ते बाहेरून येतात आणि या ठिकाणी घरफोडी करून पळून जातात, त्यामुळे ते
त्यांची आपल्याला ओळख पटत नाही, आरोपी मिळून येत नाही, करिता प्रत्येक नागरिकांनी अलर्ट राहणे हेच आपण गुन्हा टाळू शकतो. एमआईडीसी पुलिस ने मंगलवार रात गोपनीय जानकारी के आधार पर चर्चित अपराधी दीपक कालिया के गैंग को डकैती की तैयारी में गिरफ्तार किया. तीन आरोपी पुलिस के हाथ लगे जबकि दो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए. पकड़े गए आरोपियों में भीमनगर बस्ती निवासी दीपक उर्फ कालिया सुनील सिंह, साईनाला जबलपुर निवासी बालेंद्र मानेश्वर और बख्शी लेआउट खड़गांव रोड निवासी दीपक प्रताप बिष्ट का समावेश है. पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस आसनी के सुमंगल विहार परिसर में कालिया अपनी गैंग के कुछ लोगों के साथ जमा हुआ है, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है. खबर के आधार पर पुलिस ने परिसर पर छापा मारा लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर भीमनगर निवासी शिव पंचेश्वर और आईसी चौक निवासी सूरज उर्फ अंडा भागने में कामयाब हो गया. पुलिस ने उपरोक्त तीनों को दबोच लिया. पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की तलाशी ली तो तलवार, मिर्ची पाउडर और रस्सी बरामद हुई. उनके खिलाफ डकैती की तैयारी और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. दीपक कालिया बड़ा सेंधमार है. एमआईडीसी परिसर में बंद फैक्ट्री से सामान चोरी करने में वह माहिर है. उसकी गैंग में 10 से 12 लोग होने की जानकारी पुलिस को मिली है. कुछ कबाड़ी भी उसकी गैंग में शामिल है. आरोपी फैक्ट्रियों में सेंध लगाकर एक बार में ही लाखों का माल गायब कर देते थे. अन्य वारदातों के बारे में भी उनसे पूछताछ की जा रही है. यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बाकी की खबरों पर नजर डालते हैं इस ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. अपनी विविध मांगों के लिए अमरावती जिले के मुख्य महापारेषण परिमंडल के अंतर्गत महाराष्ट्र मागास्वर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की गई है. गत 21 अक्टूबर से अमरावती जिले के विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने विद्युत कर्मचारी संगठन द्वारा अपनी विविध मांगों के चलते अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर दी गई, जबकि अब तक इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे मायूस होकर कर्मचारी संगठन अब भूख हड़ताल पर चली गई है. प्रशासनातर्फे तांत्रिक कामगारांना मानसिक दृष्ट्या त्यांचा छेड केला जात आहे. त्यांना म्हणजे जनावरासारखी ट्रीटमेंट दिली जाते इथल्या यांच्या प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून, आणि त्या विरोधात आमचं हे आंदोलन आहे. जो अधिकारी इथं तांत्रिक कामगारांना गेल्या 2 वर्षापासून त्रास देतो आहे, त्यांचा मानसिक छेड करतो आहे, त्यांच्यामध्ये दहशत निर्माण करतो आहे, की जे ते कृत्य संविधान विरोधी कृत्य करतो आहे, आणि याबाबतीत आम्ही वारंवार प्रशासनाला पत्रव्यवहार देऊन त्यांच्या निदर्शनास आणलं. मॅनेजमेंटच्या आम्ही भेटी घेतल्यात तरी मॅनेजमेंटने कुठलीही कारवाई केली नाही. दरम्यानच्या काळात तात्पुरती त्याची डेप्युटेशन केलं आणि परत तिथं आणलं वापस जैसे थेच. तेव्हापासून तर तो जास्त करायला लागला की माझं कोणीच काही बिघडू शकत नाही. आणि जो आमचा कामगार आहे, तांत्रिक कामगार, अतिशय दहशतीखाली दडपणाखाली काम करतो. अधिकारी खाद्य म्हणून आहे, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता आहे, तो प्रस्थापित संघटनेचा आहे, आणि तो एका दिवसात आमच्या कामगारांना 109-110 towers चढवायला सांगतो. 110 towers पैदल फिरून त्याला पेट्रोलिंग करावं लागतं भर उन्हाळ्यात विना पाण्याचं, उपाशीपोटी त्यांच्याकडून काम करून घेतो. म्हणजे जनावराच्या पलीकडे म्हणजे गुलामीसारखे ट्रीटमेंट देतो तो खाताखालच्या कामगारांना. त्याच्या विरोधात आम्ही आंदोलन करतो आहे.
जोधपुर का निवासी निखिल लालवानी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार भले ही जिंजर मॉल के सामने की हॉकर जोन को खाली करवाया गया हो, लेकिन अब पीड़ित हॉकर्स की ओर से न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। बुधवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष राज्य सरकार का पत्र प्रेषित किया गया। इसके अनुसार महानगर पालिका द्वारा भेजे गए टाउन वेंडिंग कमेटी के प्रस्ताव को हरी झंडी देने का खुलासा किया गया। टाउन वेंडिंग कमेटी के कारण ही शहर में हॉकर्स के मसले अटके होने तथा अब इसे मंजूरी मिलने से तमाम समस्याएं हल होने का हवाला देते हुए न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल पानसरे ने याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत का मानना था कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार गरीब हॉकर्स और स्ट्रीट वेंडर्स के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। महानगर पालिका की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता जेमिनी कासट ने कहा कि ऐसे मामलों में जब तक स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 की धारा 22 के अनुसार टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन और राज्य सरकार की ओर से मान्यता नहीं दी जाती, तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र स्ट्रीट वेंडर्स रूल्स 2016 की धारा 16(3) के अनुसार टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन और उसे मान्यता देने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है, लेकिन तब तक इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अंततः इस संदर्भ में राज्य सरकार को उचित आदेश जारी करना जरूरी है, इससे हॉकर से संबंधित सभी समस्याएं हल हो सकेंगी। अदालत का मानना था कि जनवरी 2021 को प्रस्ताव भेजा गया था, बावजूद इसके अब तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया, यह समझ से परे है, जबकि कानून के अनुसार अब तक निर्णय हो जाना चाहिए था। नाग नदी के पुनर्जीवन प्रकल्प को लेकर भले ही जून 2014 में ही संकल्पना तैयार की गई हो, लेकिन कई तरह के पेंच होने के कारण अब तक वास्तविक कार्य की शुरुआत नहीं हो पाई है। अब दिल्ली में महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी द्वारा वित्तीय नियोजन समिति के समक्ष पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। EFC की ओर से मंजूरी प्रदान करने के बाद अब अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष इसे रखा जाएगा, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में 1,476 करोड़ रुपए का प्रकल्प तैयार किया गया था। अब वर्ष 2021 में इसी प्रकल्प पर 2,117 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। महत्वाकांक्षी प्रकल्प में एक चरण पूर्ण होने पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने गडकरी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मनपा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। बताया जाता है कि प्रकल्प पर अमल करने के लिए महानगर पालिका की ओर से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए गति से प्रक्रिया पूरी की जा रही है। PMC का पूरा खर्च केंद्र सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। प्रकल्प के अंतर्गत शहर में 500 किलोमीटर की सीवरेज लाइन के नेटवर्क का नवीनीकरण किया जाएगा। दिल्ली में केंद्र सरकार के वित्त विभाग सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव NRCD के निदेशक EFC के अतिरिक्त सचिव मनपा की ओर से अधीक्षक अभियंता मनोज तालिवार, कार्यकारी अभियंता श्वेता बैनर्जी और तकनीकी सलाहकार मोहम्मद इसराइल उपस्थित थे। प्रकल्प को लेकर तैयार किए गए प्रारूप के अनुसार 2,117.56 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। प्रकल्प में केंद्र सरकार से 60%, राज्य सरकार से 25% और मनपा को 15% खर्च का वहन करना होगा। अपराधियों में नकेल कसने के लिए पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। पुलिस की सक्रियता से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने रूटीन पुलिसिंग के साथ अब विशेष अभियानों पर जोर दिया है। विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। पहले पुलिस ने नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। मंगलवार की रात पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामलों में सक्रिय अपराधियों को घेरा। क्राइम ब्रांच के सभी 5 यूनिट और 33 स्थानों के DB स्क्वाड को आर्म्स एक्ट के मामलों में पकड़े गए आरोपियों की जांच और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान धारदार हथियार लेकर घूम रहे 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग थानों में 30 मामले दर्ज किए गए। MIDC थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक गैंग के 5 सदस्यों को डकैती की तैयारी में गिरफ्तार किया। उनसे तलवार जब्त की गई, तलवार, चाकू और हथियार सहित 30 हथियार जब्त किए गए। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि जरीपटका थाना क्षेत्र के एक घर में बड़ा जुआ चल रहा है। पुलिस ने खबर के आधार पर छापा मारा। 2 लोग भाग निकलने में कामयाब हो पाए, लेकिन पुलिस ने 4 जुआरी व्यापारियों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों में जरीपटका निवासी महेश तलरेजा, राजकुमार सावलानी, कन्हैया जय सिंघानी और आकाश बादलानी का समावेश है, जबकि मोहन खान चंदानी और कुणाल ठाकुरदास जेठवानी भागने में कामयाब हो गए।
पुलिस ने उनसे जुए की बाजी में लगे 4,86,000 रुपए नकद और 6 मोबाइल फोन सहित 6,19,000 रुपए का माल जब्त किया। उनके खिलाफ जुआरबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। सभी टीमों को अपराधियों की सूची उपलब्ध करवाई गई थी। इसी सूची के अनुसार शहर में करीब 227 अपराधियों की जांच की गई। कुछ लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। सकरदरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने वर्ली सट्टेबाजी में सक्रिय 2 आरोपियों को पकड़ा। नशीले पदार्थ बेचने के मामले में भी एक आरोपी को पकड़ा गया। आगे भी पुलिस इस तरह से विशेष अभियान चलाती रहेगी। बूटीबोरी चंद्रपुर हाईवे पर टोल नाके के पास सुबह 7 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां किसी तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार युवकों को कुचल दिया। जब तक सहायता आती तब तक दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों की शिनाख्त की कोशिशें तेज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नागपुर से चंद्रपुर बाइक से जा रहे मंगेश मणिक घराव घोड़े उम्र 33 साल कलमना रोड नागपुर, करण रंगराव चांदेकर उम्र 34 साल पाली नदी कामठी रोड नागपुर के बाइक में टोल नाके से आगे किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दोनों मृतक किसी निजी कंपनी में काम करते थे। ऐसा बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। थानेदार ओम प्रकाश कोकारे ने दोनों शवों का परीक्षण कराने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। तो आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात आपसे कल। तब तक लिए देखते रहिएगा वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।